नमस्कार मित्रों, आज हम एक्नी किलोडालिस के बारे में चर्चा करेंगे। ये एक्नी किलोडालिस क्या होता है और इसका इलाज कैसे होता है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, कुछ कुछ लोगों के गर्दन में छोटा छोटा दाना दाना हार्ड पिंपल दिखता है, इसको बोलते हैं एक्नी किलोडालिस। ये एक्नी किलोडालिस ज्यादातर लड़के लोग में पाया जाता है, जो यंग एडल्ट होते हैं उनमें ज्यादा पाया जाता है। लड़कियों के कंपैरिजन में लड़कों में ये 20 गुना ज्यादा पाया जाता है और जिनका रंग थोड़ा काला है उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। इसका नाम एक्नी से शुरू होता है, लेकिन ये कोई एक्नी यानी कोई पिंपल नहीं है, ये एक स्कैरिंग एलोपेशिया है। एलोपेशिया मतलब बाल गिरने को एलोपेशिया बोलते हैं। स्कैरिंग एलोपेशिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एरिया में ये बीमारी होता है उस एरिया का जो बाल होता है वो जड़ से खराब हो जाता है, जिसको बोलते हैं स्कैरिंग। मतलब वहां पे जड़ खराब होने के बाद वहां से दोबारा कभी बाल नहीं निकलता है। तो चलिए जानते हैं इसका रीजन क्या है, यानी किस लिए ये बीमारी होता है, एग्जैक्टली क्यों होता है किसी को नहीं पता है, लेकिन दो हाइपोथेसिस है यानी अनुमान लगाया जाता है, दो कारण से ये हो सकता है। फर्स्ट कारण होता है स्किन इंजुरी, यानी कोई भी कारण से अगर आपका स्किन को यहाँ पे इंजुरी हुआ, कोई चोट लगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम ज्यादा पाया जाता है। चोट किसी भी कारण से हो, यानी अगर कोई टाइट वाला कलर वाला ड्रेस पहनता है जहाँ पे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, घर्षण लगता है, वहां पे होता है। कोई अगर क्लोज शेविंग है, बाल को एकदम छोटा छोटा करके रेजर से शेव करता है, कभी रिवर्स शेव करता है, तो उन लोगों में ये ज्यादा पाया गया है। कोई अगर ज्यादा मोटा है उनमें भी ये ज्यादा पाया गया है। कुछ इन्फेक्शन यानी फॉलिकुलाइटिस के बाद भी ये पाया गया है। और जो सेकेंड कारण होता है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल इम्यून सिस्टम, मतलब कुछ पेशेंट में उस एरिया से थोड़ा स्किन काट के जब बायोप्सी के लिए भेजा गया, देखा गया, तो वहाँ पे न्यूट्रोफिल एंड आपका लिम्फोसाइट ज़्यादा पाया गया है। इसका मतलब वहाँ पे कुछ इम्यूनिटी का डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो इस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट में बहुत सारा चीज़ यूज किया जाता है, जैसे कि एक्नी के लिए जो चीज़ यूज होता है, जैसे कि रेटिनॉइड क्रीम और वहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड क्रीम, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत इन्फ्लेमेशन होता है और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए बेंजोइल पेरोक्साइड काम करता है, और वहाँ पे एक्नी जैसा थोड़ा बहुत तो काम होता है, जिसके वजह से एक्नी नाम दिया गया है, लेकिन ये कोई एक्नी नहीं है। तो इसी के वजह से वहाँ पे आपका लगाने वाला जो रेटिनॉइड क्रीम होता है, जैसे ट्रेटिन, वो भी काम करता है, और खाने वाला जो रेटिनॉइड्स होता है, जैसे कि आइसोट्रेटिनिन, ये भी कुछ कुछ केसेस में कुछ कुछ पेशेंट में असरदार साबित हुआ है। जैसे कि इसके नाम में एक्नी किलोइडालिस है, यानी किलोइड है इसमें, तो इसमें हाइपरट्रॉफिक स्कार यानी बहुत मजबूत मोटा वाला स्कार होता है और किलोइड जैसा भी मांस दिखता है। तो किलोइड में हम लोग जैसे लगाने के लिए स्टीरॉयड देते हैं, इंट्रालिजिनल स्टीरॉयड यानी स्टीरॉयड का इंजेक्शन भी देते हैं, वो भी यहाँ में यूज किया जाता है, और कुछ कुछ लोगों में, कुछ कुछ पेशेंट में अच्छा रिजल्ट मिला है। जैसे कि हमने बोला है यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, फॉलिकुलाइटिस और पेरी फॉलिकुलाइटिस होता है, यानी बाल के रूट में इन्फेक्शन होता है, तो यहाँ पे एंटीबायोटिक खाने के लिए भी दिया जाता है, जैसे कि ओरल टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ये भी कुछ कुछ केसेस में कुछ हद तक असरदार साबित हुआ है और ये एक्नी किलोडालिस थोड़ा कम हुआ है। लेकिन जो सबसे असरदार ट्रीटमेंट आजकल साबित हुआ है वो है लेजर ट्रीटमेंट। हमने जैसे कि बोला है वहाँ पे हेयर फॉलिकल में थोड़ा बहुत कुछ डैमेज होने के बाद ये प्रॉब्लम होता है, अगर हम पूरा हेयर को उस एरिया से निकाल दें तो ये बीमारी खत्म हो जाता है, जैसे कि ना रहेगा मांस ना बजेगा बांसुरी। एग्जैक्टली वैसे ही हेयर रिडक्शन होता है लेजर के थ्रू, और लेजर में जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, NDYAG लेजर, FBM लेजर, ऐसे बहुत सारे लेजर अवेलेबल है, और ये लेजर ट्रीटमेंट के बाद बहुत केसेस में देखा गया है ये बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है और कुछ कुछ लोगों में एकदम ठीक हो गया है। और एक ट्रीटमेंट है सर्जरी, यानी अगर किसी का बहुत बड़ा बड़ा वहाँ पे स्कार हो गया तो उस स्कार को एक्सीजन यानी काट के निकाल देते हैं और वहाँ पे इंजेक्शन, स्टीरॉयड का इंजेक्शन दिया जाता है, जैसे कि बाद में दोबारा ना हो। लेकिन लास्ट में हम आपको बोलेंगे ये ट्रीटमेंट थोड़ा क्रॉनिक है, यानी मतलब बहुत लंबे टाइम तक इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और ठीक होने के बाद भी ये रिकरेंस यानी दोबारा होने का बहुत चांसेस रहता है। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो आप इमिडिएटली आपके जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके पास जाके उनको मिलिए और उसका इलाज करिए। तो ये था पूरा डिस्कशन एक्नी किलोडालिस के बारे में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से आज बहुत नया चीज़ सीखने को मिला होगा और एक नया बीमारी आपने सीखा होगा। अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।